नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर बात करेंगे ऐसे दो स्टॉक जिन दो स्टॉक में अगले दिन यानी मंडे हम पोजीशन बनाएंगे। उन दोनों स्टॉक की जो टेक्निकल आउटलुक है, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट, उस बारे में डिस्कस करेंगे। और इंट्राडे फ्री लाइव टिप्स कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, और कल जो दो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था उसका रिव्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज़ बनाता हूँ। जो भी टेक्निकल आउटलुक है वो मेरी खुद की रिसर्च हैं। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। पहला जो स्टॉक मैंने डिस्कस किया था कल, गोदरेज इंडस्ट्रीज। देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज जो है 601.83 रुपये में बाइंग लेवल था और सेलिंग लेवल था 581.22 रुपये। फ्रेंड्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज जो है बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ था और इसमें ज़्यादा नहीं, मान के चलिए 4 पॉइंट तक, इसमें 3-4 पॉइंट इसमें प्रॉफिट हुआ, इससे ज़्यादा नहीं, फिर भी फ्रेंड्स इसमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, गोदरेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट स्टॉक है यस बैंक। यस बैंक जो है फ्रेंड्स बाई कॉल और सेल कॉल यानी बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल एक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर भी हम यहाँ पर और एक बात करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने बाइंग लेवल दिए थे 360.29 रुपये, लेकिन स्टॉक ओपन हुआ था 365 रुपये, 5 रुपये ओपन हुआ था। अगर किसी ने जो फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट पे ये ओपन हुआ था 365 में, अगर किसी ने 365 में अगर इसको ख़रीदा है तो उसको 4 पॉइंट मिला है। फिर भी मान के चलते इसमें किसी ने ट्रेड किया नहीं, मैंने भी इसमें ट्रेड किया नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। और गोदरेज इंडस्ट्रीज में 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक अगले दिन के लिए, मंडे के लिए, जिंदाल सौ। जिंदाल सौ मैंने सिलेक्ट किया है अगले दिन के लिए। इसको सिलेक्ट करने के रीज़न हम बता देते हैं फ्रेंड्स। देखिए लास्ट में, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 कैंडल जो है मतलब कंटिन्यू 9 दिन इससे जिंदाल सौ में गिरावट था। 100 डेज को ब्रेक डाउन किया है, फिर 20 डेज को भी ब्रेक डाउन किया है, नेक्स्ट ये 100 डेज को भी ब्रेक डाउन किया था, लेकिन आज ये 200 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट करके 200 डेज के ऊपर ही क्लोज हुआ है और काफ़ी नीचे से अभी ये ऊपर की तरफ जो है एक मूवमेंट ले रहा है, जिस वजह से मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया। और भी बहुत सारा रीज़न है फ्रेंड्स, इतना लंबा वीडियो में बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं 5-6 मिनट में क्लोज़ करने की कोशिश करता हूं ताकि सभी लोग जो है वीडियो को देखें। तो चलिए उसका बाइंग लेवल देख लेते हैं, 124.32 रुपये, स्टॉप लॉस रहेगा 121.51 रुपये, फर्स्ट टारगेट रहेगा 124.82 रुपये, सिक्स टारगेट रहेगा 129.63 रुपये, सेलिंग लेवल रहेगा 121 रुपये, स्टॉप लॉस रहेगा 123.84 रुपये, फास्ट टारगेट 120.53 रुपये और सिक्स टारगेट 115.72 रुपये। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करने से पहले इंट्राडे फ्री लाइव टिप्स आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मेरा एक वेबसाइट है anjantechrecharge.com, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा anjantechrecharge.com, उस पर क्लिक करने से आप लोग डायरेक्ट मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर मैं बहुत सारे आर्टिकल पोस्ट करता हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म मल्टीवेगर, क्वार्टरली फाइनेंशियल ट्रेंड बुलिश, ये मैंने स्टॉक के आर्टिकल जो है आज मैंने पोस्ट किया, आप लोग देख सकते हैं। यस बैंक, ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी फ्रेंड्स मैं मल्टीवेगर के वीडियो अपलोड करूँगा, देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, मेनू में क्लिक करना है, यहाँ पर इंटरनेट टिप्स में क्लिक करना है। इंटरनेट टिप्स में आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आज मैंने कॉल प्रोवाइड किया था रिलायंस इंफ्रा फ्यूचर, उसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करवा दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेंसोरी फ्यूचर, उसमें ऑल टारगेट डन हो गया, 42 रुपये में बाई करवाया, 48.6 पॉइंट मिला है। यहाँ पर जे के टायर फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा लॉस हो गया, 2 पॉइंट का भी नहीं, नियर अबल 1 पॉइंट का लॉस हुआ, अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया, कर दूंगा। हिंडल को जो है डोंट ट्रेंड नॉट एग्जीक्यूट, इसको मैंने ट्रेड करने के लिए ना कर दिया। टाइटन में जो है फास्ट टारगेट डन, IDFC बुक प्रॉफिट नियर अबल 90 पैसा, RBL बैंक जो है फास्ट टारगेट डन, ठीक है। तो आज मैंने जो कॉल दिया था उसमें से 1, 2, 3,
चार कॉल में प्रॉफिट हुआ और एक कॉल में लॉस हुआ और एक कॉल नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप लोग इंटरडे फ्री लाइव टिप्स प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम आप लोग दिख रहे हैं 11:19, 11:15, 10:16। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, मेरे इस वेबसाइट की जो बेल आइकन है, बेल आइकन में क्लिक करके सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट स्टॉक का नाम है गेल। गेल को मैंने सेलेक्ट किया, गेल को सेलेक्ट करने के रीज़न भी बता देते हैं। गेल जो है फ्रेंड्स कुछ दिनों से स्विंग ट्रेड में है, ये स्विंग ट्रेड देखिए काफ़ी स्विंग है इसमें, देखिए यहाँ पर स्विंग किया ऊपर फिर नीचे, फिर स्विंग किया ऊपर फिर नीचे, अभी फिर स्विंग किया, देखिए अभी जो है 200 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट करके बुलिश कैंडल लेके क्लोज हुआ है और प्राइस भी 200 डेज के ऊपर ही क्लोज हुआ है और काफ़ी स्विंग ट्रेड चल रहा है और इस वजह से मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया है और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए उसका बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल हम देख लेते हैं। बाइंग लेवल रहेगा 331.86 रुपये, स्टॉप लॉस रहेगा 325.34 रुपये, फर्स्ट टारगेट रहेगा 333 रुपये और सिक्स टारगेट रहेगा 344 रुपये। सेलिंग लेवल रहेगा 324.24 रुपये, स्टॉप लॉस रहेगा 330.76 रुपये, फर्स्ट टारगेट रहेगा 323.06 रुपये और सिक्स टारगेट रहेगा 311.91 रुपये। तो ये दो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं अगले दिन के लिए। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आप लोगों को ट्रेड करने के लिए, अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो लेवल के हिसाब से अपनी खुद की इंट्राडे की स्ट्रेटजी यूज़ करके ट्रेड कीजिए ताकि प्रॉफिट हो। तो फ्रेंड्स मैं जो ये कॉल प्रोवाइड करता हूँ, मान के चलिए 70 से 80% एक्यूरेसी में कॉल यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, मैं जो ट्रेड करता हूँ एक दिन पहले मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ और उसका लेवल जो निकालता हूँ, और ये जो लेवल देख रहे हैं आप लोग ये फिबोनाची डायनामिक स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर कॉल एग्जीक्यूट होता है तो प्रॉफिट होने के चांसेस 90% रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इस तरीके से हमेशा ट्रेड करता हूँ और मुझे प्रॉफिट भी होता है, और जो आप लोग इंटर लाइफ फ्री टिप्स देख रहे हैं उसमें भी मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन सभी कल में मैं ट्रेड कर नहीं पाता, उतना टाइम मिलते नहीं। और आप लोग अगर ट्रेड करते हैं तो इंटरडे में अपनी खुद की स्ट्रेटजी यूज़ करके ज़रूर ट्रेड कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और पेपर ट्रेडिंग ज़रूर कीजिए, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद अगर आप लोगों को सही लगे तो ट्रेड कीजिए। तो फ्रेंड्स आजकल इतना सा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।